पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा, सबसे पहले मैं होता हूँ उसी पेंट हाउस पर जहाँ से मुझे बिग माफी के बेटे को यहाँ पर किडनैप करना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है एक स्ट्रेटेजी लगाता हूँ, मुझे यहाँ पर जो है कपड़े बदलने होते हैं, फिर मैं यहाँ पर नौकर वाले कपड़े पहनकर सीधा वहाँ पर पहुँच जाता हूँ और पोछा लगाने का काम यहाँ पर जो है मैं ले लेता हूँ। फिर मैं हर जगह यहाँ पर जो है पोछा लगाता रहता हूँ और पोछा लगाते लगाते मैं सीधा ऊपर यहाँ पर जो है पहुँच जाता हूँ। पार्टी में मुझे पता चलता है फिर यहाँ पर बिग माफी का बेटा एक लड़की के साथ यहाँ पर जो है डांस कर रहा है। फिर थोड़ी देर मुझे इंतज़ार करते हुए यहाँ पर जो दोस्तों रात हो जाती है और रात को बिग माफिया का बेटा दूसरी तरफ बैठकर यहाँ पर ध्यान लगा रहा होता है, बट उसके पास उसका एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। मैं चोरी छुपे उसको जो है यहाँ पर मार देता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड को और उस लड़की को भी मार देता हूँ और उसके बेटे को बोट के अंदर डालकर यहाँ पर जो है किडनैप करके दोस्तों मैं यहाँ से जो है निकल जाता हूँ। निकलने के बाद सीधा मैं सुबह होते होते उसको यहाँ पर जो सीधा लॉस सैंटोस लेकर जो है पहुँच जाता हूँ। फिर यहाँ पर डेविड आता है मेरी मदद करने के लिए और हम इसको लेकर सीधा अपने जो है दोस्तों यहाँ पर घर पर आ जाते हैं। वहाँ पर हम बिग माफिया को बुला लेते हैं। बिग माफिया व्हील चेयर के ऊपर यहाँ पर बैठा होता है। मैं कपड़े वगैरह अपने जो है चेंज करके आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है रशियन माफिया भी आने वाला होता है और बिग माफिया का बेटा भी इधर ही होता है। और मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक काम करना होता है, जो मेरी गाड़ी है ना, जो मुझे यहाँ पर रशियन माफिया ने दी थी, मैं उस गाड़ी को भी यहाँ पर एक बार चेक करवाता हूँ डेविड से। तो गाड़ी एकदम यहाँ पर परफेक्ट होती है और रशियन माफिया मुझे यहाँ पर एक नई गाड़ी भी पर जो गिफ्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में बिग माफी के बेटे की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुटाई वगैरह होती है। फिर बिग माफी का बेटा बोलता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर जो है साथ दूंगा और वो साथ देने के लिए यहाँ पर दोस्तों तैयार भी हो जाता है। उसके बाद मैं सीधा दोस्तों यहाँ से निकलता हूँ और मैं जाता हूँ चाइनीज़ माफिया से मिलने के लिए। और अब आप आगे देखिए, आगे वीडियो में आपको कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है मज़ा आने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। So, यो 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 भाई लोग कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग गाइस यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे। पिछले एपिसोड में जो भी यार यहाँ पर हुआ था वो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पता चल गया होगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको जो भी वीडियो का पार्ट यहाँ पर अच्छा लगेगा उसको कॉमेंट करके बताना। मैं इस वीडियो के लास्ट में ना सभी भाइयों के यहाँ पर कॉमेंट्स वगैरह को ना दोस्तों यहाँ पर रीड करता हूँ, तो मैं आपका कॉमेंट भी दोस्तों अपने वीडियो के अंदर यहाँ पर रीड करूंगा। तो मेक श्योर आप जल्दी से मुझे यहाँ पर जो है बता दें। दूसरी बात मैं यहां पर आपको बोलना चाहूंगा, जो लोग हमारे इल्यूमिनाटी गैंग को ज्वाइन करना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 29 रुपए में कर सकते हैं ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, कमेंट्स पिन होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बेनिफिट्स भी हैं, तो आप फटाफट कर लीजिए। तो दोस्तों अब मैं फिलहाल अभी आया हूं दोस्तों लेस्टर के घर के आसपास, क्योंकि मुझे यहां पर उसके बेटे ने क्या कहते हैं यहां पर बिग माफिया के बेटे ने ये बोला था कि जो मास्टर प्लान है ना वो यहाँ पर जो है लेस्टर बना रहा है। और लेस्टर बेसिकली उसको भी ऐसे ही लगता है कि वो शायद से प्लान जो है अपने घर पर कर रहा होगा। ऑल राइट, तो उसने मेरे को ये बोला है कि आपको ना एक बार यहाँ पर लेस्टर के घर पर जाकर जो है देखना चाहिए कि इस टाइम लेस्टर किस चीज़ों के अंदर यहाँ पर जो है वर्क कर रहा है। देखो दोस्तों, लेस्टर से मेरी कोई लड़ाई वगैरह नहीं है, मुझे पता है कि भाई वो मेरे दुश्मन है, बट मैं ना अभी उनको यहाँ पर जाहिर नहीं कर रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें दोस्तों जाहिर वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और चाइनीज़ माफिया ने जैसे कि मुझे यहाँ पर बताया था कि डगन बॉस के यहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है और बहुत कुछ है, उसने पार्टी वाड़ी भी रखी है, तो दोस्तों वहाँ पर भी जाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो चलिए फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी टेरेज़ो को दोस्तों यहाँ पर लेकर आ गया था। ये वही लैम्बोर्गिनी टेरेज़ो है जो कि दोस्तों मुझे यहाँ पर रशियन माफिया ने दोस्तों गिफ्ट में दी थी। ऑल राइट, ये इस गाड़ी की मुझे सबसे अच्छी बात बताओ क्या लगती है, ये लगती है कि ये गाड़ी जो है आवाज़ नहीं करती, बिल्कुल इलेक्ट्रिक कार है यार ये। ऑल राइट, इसके घर के आगे कैमराज भी तो लगे हुए हैं ना, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले ना मुझे अपनी लैम्बोर्गिनी टेरेज़ो को यार यहाँ पर लगाना होगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी टेरेज़ो को जो है लगा देता हूँ वॉल्वो के पास। दिस इज़ परफेक्ट। ऑल राइट गाइज, तो मैंने अपनी वॉल्वो के पास अपनी गाड़ी को दोस्तों यहाँ पर जो है लगा दिया है। अब यार गाइज यहाँ पर लगाने के बाद ना मुझे उसके घर के अंदर घुसने का एक एक्सेस ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं कैमरा से बचकर जो है निकल सकूं, या फिर मुझे दोस्तों इसके घर का जो सीसीटीवी कैमरा है इसको दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। यही चीज़ एकदम परफेक्ट है यार। यार मुझे अपनी गन्स के अंदर यहाँ पर सप्रेसर तो यार लगाने चाहिए। मैं स्टन गन से भी इसकी उसको यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर ख़राब कर सकता हूँ। पिस्टल इससे भी हो जाएगा, बट आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी यार। एक काम करते हैं, स्टन गन से ही कर लेते हैं फिलहाल के तौर पर। तो चलिए दोस्तों आराम से यार, एक तो इसके घर की चढ़ाई भी यार बहुत ज़्यादा अजीब सी है, इधर कोई भी सिक्योरिटी कैमरा नहीं है, सिर्फ दो सिक्योरिटी कैमराज हैं, एक तो ये लगा हुआ है। नाइस, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा।
मैं सोच रहा था यार इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बट लिटरली कुछ भी नहीं हो रहा है यार। अरे शिट यार, मेरे को एक बार तो गन चलानी पड़ेगी। कोई भी आसपास होगा, आई डोंट नो, गया तो गया, ठीक है। नाइस, खत्म कर दिया दोस्तों मैंने दोनों के दोनों कैमराज। ठीक है, अब इसके घर में चलते हैं आराम से। इसका घर ना साउंड प्रूफ है, बाहर का साउंड नहीं जाता इसके घर में। और मेरे हिसाब से भाई इसके घर में कोई है भी नहीं, भाई लेस्टर के घर में कोई है भी नहीं गाइस। अरे वाह क्या बात है, मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ। और फिलहाल मुझे यहाँ पर एक काम भी करना है, एक कैमरा इधर लगा हुआ है, गया, एक कैमरा लगा हुआ है, नाइस। इधर तो नहीं लगा हुआ कोई सिक्योर, ओ भाई ये भी गया, और भाई एक यहाँ पर भी है, ये भी गया। भाई साहब कितने सारे सिक्योरिटी कैमराज भाई लेस्टर ने अपने घर के अंदर लगवा रखे हैं। ये भी गया। ऑलराइट गाइस, तो मैंने इसके घर के अंदर जितने भी सिक्योरिटी कैमराज वगैरह लगे हुए थे जिससे कि पता चल सकता था कि मैं इस घर के अंदर बेसिकली आया हूँ, वो सारे के सारे मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और इस कंप्यूटर के अंदर हम अगर यहाँ पर देखें तो नॉर्मली बस इसके अकाउंट्स वगैरह खुले हुए हैं और पीसी के अंदर भी कुछ नहीं है। इधर चलिए गाइस, यार मुझे ना सबसे पहले थोड़ा टाइम लगेगा और इसके पूरे घर के अंदर मुझे जो है दोस्तों यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, छानबीन तो करनी पड़ेगी, और इसके कंप्यूटर के अंदर भी कभी हम इसके कंप्यूटर के अंदर से यहाँ पर कुछ मिल जाए। और राइट गाइस, तो यार फिलहाल मैं इसके कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर दोस्तों घुस रहा था, बट बहुत सारी इस टाइप की फाइल्स थी, टॉप सीक्रेट फाइल्स, कुछ इस टाइप का यहाँ पर जो दोस्तों फोल्डर्स बने हुए थे, बट मैं उन फोल्डर्स को दोस्तों यहाँ पर खोल नहीं पा रहा था, उसके अंदर हाई सिक्योरिटी लगा रखी है। तो मैंने इसकी जो है पीसी की दोस्तों हार्ड ड्राइव ही निकाल ली है, SSD वगैरह दोस्तों मैंने निकाल लिया है, और निकालने के बाद ना दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बैग के अंदर डाल लिया है, और मैं इन हार्ड ड्राइव्स को ना अपनी हैकर गर्ल को दे सकता हूँ और वो मतलब ये सब कुछ यहाँ पर डन करके देगी मेरे को। भाई ये चीज़ बढ़िया हो गई। चलो फिलहाल अब हम यहाँ से निकलते हैं। और तो इसके घर में भाई कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ बस यही काम हो पाया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। लेस्टर की कम से कम हमें यहाँ पर दोस्तों हार्ड ड्राइव तो हमारे हाथ लग गई है। अब देखो मेरी बात सुनिए आप सभी लोग, मैं इस हार्ड ड्राइव से ना दोस्तों बहुत कुछ कर सकता हूँ, लिटरली बहुत ज़्यादा कुछ, अगर एज अ फेयर यूज़ किया जाए ना तो मतलब हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हाथ लग सकती है। देखो यार मुझे हैकिंग वगैरह के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, जिसको नॉलेज है वही इन फाइल्स को दोस्तों खोल भी पाएगा, ऐसे नॉर्मल किसी सॉफ्टवेयर से तो ये फाइल्स खुलते भी नहीं है। चलिए अब हमारी हैकर गर्ल ही बता सकती है इस बारे में, क्या बात है। अच्छा हुआ गाइज यार यहाँ पर ना मेरा बस वेस्ट ना हुआ हो यार, यहाँ पर आना इसके घर पर बस वेस्ट ना हुआ हो, मैं यही चाहता हूँ। ओ भाई साहब गाइस टेरेजो की स्पीड देखना, ओ माय गॉड गाइस टेरेजो देखना कितनी ज़्यादा भागती है भाई, 300, ओ माय गॉड, ओ ओ ओ आराम से आराम से आराम से भाई, टेरेजो बहुत ज़्यादा फास्ट भागती है, और भाई साहब ये तेज़ भागने में ना आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है भाई, 350, 360, 370 का भाई टेरेजो ऐसे ही भाग लेती है यार दोस्तों, माय गॉड यार वाकई में यार टेरेजो के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। एक काम करता हूँ मैं इधर का इंडिकेटर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ सीधा हाईवे पर तो जाने नहीं है, इधर से मैं सीधा दोस्तों लाइव इन्वेटर वालों के ऑफिस में जो है पहुँच जाऊँगा, क्योंकि हैकर गर्ल ना फिलहाल गाइस अभी हमें वहीं पर मिलेगी, क्योंकि अभी वो वहीं पर काम कर रही है, ठीक है उन्हीं के लिए। और उनके ऑफिस में ना किसी को असल में शक भी नहीं जाता है कि यहाँ पर कोई लाइव इन्वेटर वालों के ऑफिस के अंदर यहाँ पर कोई इस टाइप के वर्कर भी है, समझ रहे हो तुम, इसीलिए तो हमने इसको यहाँ पर छोड़ रखा है। चलिए फाइनली दोस्तों हम पहुँच भी गए। यार इसके गाड़ी का क्या करूँ, एक काम करते हैं इस गाड़ी को हम
इस तरफ ही लगाएंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ के रोड देखो भाई साहब, एकदम ही अलग टाइप की टाइल्स वगैरह तुम्हारे भाई ने लगवा रखी है इन रोड्स के ऊपर। भाई ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है यार। चलिए गाइस फाइनली यार हम अपनी ये जो हार्ड ड्राइव्स वगैरह लेकर जो है हैकर गर्ल के पास पहुंच चुके हैं, और मेक श्योर कि हैकर गर्ल यार इनके बारे में यहाँ पर जो है हमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड वगैरह कर देगी। चलिए चलते हैं यार उसके पास। यार हैकर गर्ल मुझको ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर याद नहीं है। एरिया 51 और टॉप सीक्रेट डेटा फाइल्स, यार लेस्टर ने कभी इस बारे में यहाँ पर बात ही नहीं की। कोड माउंट चिलियार्ड, यार गाइस मतलब ना इसने एक मिनट के अंदर यार हार्ड ड्राइव लगाने के बाद ना दोस्तों, असल में अंदर ना लोग बाग होते हैं तो हैकर गर्ल वहाँ पर बात नहीं करना चाहती थी, ये बाहर आ गई और दोस्तों उन फाइल्स के अंदर यहाँ पर कुछ अजीब से बातें लिखी हुई हैं और एरिया 51 के बारे में कुछ दो तीन लाइंस दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई हैं, और एरिया 51 के अंदर वो लोग यहाँ पर करने के हवाले। और हाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ, उसके अंदर जो मेन चीज़ मेरे को यहाँ पर पता चली है ना, ज़ॉम्बीज अटैक ऑन लॉस सैंटोस, इस टाइप की भी एक PDF फाइल दोस्तों वहाँ पर हमें मिली है। तो भाई इससे बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है कि यहाँ पर जो दोस्तों लेस्टर है इसको पहले से ही यार यहाँ पर ना इस चीज़ के बारे में कन्फर्मेशन थी कि लॉस सैंटोस के ऊपर ना दोस्तों यार यहाँ पर ज़ॉम्बीज का अटैक होने वाला है। भाई देखो लेस्टर ना हमारा एकदम, सच बताऊँ मैं तुम्हें दोस्तों, खतरनाक भाई धोखेबाज इंसान निकला है दोस्तों जो लेस्टर है, और उसने भाई गंदे वाला धोखा दिया यार मुझे, बहुत ज़्यादा गंदे वाला। मैं सोच रहा था कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बट भाई वो दोस्त नहीं है, दोस्त के नाम पर कलंक है यार, वो लिटरली मैं बोलना चाहूँगा दोस्त के नाम पर कलंक ही है, वो दोस्त है ही नहीं यार बिल्कुल भी, वो हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता, वो दोस्त है ही नहीं। कोई दिक्कत की बात नहीं है फिलहाल गाइज। चल हैकर गर्ल यार बहुत बहुत शुक्रिया तेरा यार ये काम करने के लिए, बाकी कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ ठीक है। ऑल राइट, तो गाइज यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर वो मुझे फालतू के चक्कर कटा रहा है, बिग माफिया का बेटा। देखो गाइज वैसे ऐसा भी नहीं हो सकता, वो बेचारा मुझे यहाँ पर बेफालतू के चक्कर कटा रहा होगा, क्योंकि यार मैंने उसकी इतनी ज़्यादा ठुकाई करी थी, उसके बाप की वो है तो उसने कुछ बताया ही है, और उन फाइल्स के अंदर जो बातें लिखी हुई है ना बिल्कुल सच बातें लिखी हुई हैं दोस्तों। एरिया 51 से रिलेटेड क्या बात हो सकती है, आई डोंट नो। और हैकर गर्ल को भी दोस्तों ये बातें ना यहाँ पर कुछ समझ नहीं आई मुझे ना गाइज, इस बारे में ना मैं सोच रहा हूँ एक बार ही ना मुझे यहाँ पर जो है चाइनीज़ माफिया से बात करके देखनी चाहिए, क्या पता जा सकते हैं हम, जाइए चाइनीज़ माफिया से बात करके देखनी चाहिए दोस्तों, क्या पता चाइनीज़ माफिया को यार इस बारे में एरिया 51 इन चीज़ों से रिलेटेड दोस्तों क्या पता उसको दोस्तों यहाँ पर कुछ पता हो। बट देखो यार जहाँ तक मुझे लगता है ना यहाँ पर चाइनीज़ माफिया को भी यार कुछ भी यहाँ पर नहीं पता होगा ठीक है। फिलहाल दोस्तों रशियन माफिया भी उसी के साथ है ठीक है, और अभी ना मुझे उन्हीं के घर पर जाना है। सबसे पहले यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो देख लूँ वहाँ पर चलकर, बट मुझे भेस बदल कर जाना पड़ेगा, ऐसे नॉर्मल तो जा भी नहीं सकता, और ऊपर से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना यार इसकी थोड़ी सी मतलब मुझे लैम्बोर टेरेजो के अंदर ना थोड़े से यार यहाँ पर जो चेंजिंग वगैरह करवानी पड़ेगी, क्योंकि टेरेजो ना भाई मेरे कंट्रोल से बाहर चल रही है, लिटरली मेरे कंट्रोल से बाहर है, देखो कंट्रोल से बाहर ही चल रही है भाई ये गाड़ी। ऑल राइट गाइज फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पर जो है चाइनीज़ माफिया के घर पर जो है पहुँच चुका हूँ, और ये रहा दोस्तों चाइनीज़ माफिया घर। मैं सोच रहा हूँ यार मुझे चाइनीज़ माफिया से इस बारे में यहाँ पर कुछ बातचीत कर लेनी चाहिए, बट यार चाइनीज़ माफिया को पता भी हो सकता है और भाई देखो नहीं भी पता हो सकता, दोनों चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। मैं फालतू में उस पर भाई गुस्सा तो देखो बेफालतू का नहीं कर सकता यार, ये बात भी है, वरना बेफालतू में चाइनीज़ माफिया दोस्तों यहाँ पर चिड़बिड़ भी जाएगा, वो सीधा ये बोलेगा कि भाई तू बस मेरे ऊपर यहाँ पर गुस्सा ही गुस्सा कर रहा है और कुछ हो रहा नहीं है तेरे बस की बात ये वो, तो भाई बहुत ज़्यादा बातें यहाँ पर वो बोल सकता है, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा फालतू बातें भी यहाँ पर नहीं करूँगा ठीक है। चलिए मैंने उनसे बात तो करी थी, वो दोनों शायद से यहीं पर हैं। ऑलराइट अंदर चलते हैं। चाइनीज़ माफिया ये रहे। हेलो माय बर्डीज, क्या तुम दोनों की यहाँ पर पार्टी चालू हो गई है क्या, और तुम दोनों ने यहाँ पर ये वाले स्टेप देखेगा गाइस, तुम्हें एक डांस करके दिखाऊँ क्या, मैंने आज ही दोस्तों ये वाला डांस सीखा है, देखो दिखाता हूँ तुम्हें 3 2 1 ये वाला डांस, बताइए गाइस कैसा है ये डांस, बताइए कैसा है
कैसा लगा आपको माइकल दा इल्यूमिनाटी माइकल दा प्रेसिडेंट का? दोस्तों ये वाला डांस मुझे तो खैर गाइस देखो बहुत अच्छा लगा, एक टांग पर ये जो डांस करके माइकल दा प्रेसिडेंट दोस्तों दिखाता है, और देख रहे हो कहां तक दोस्तों डांस करता हुआ ये जो चला गया था, एकदम मुर्गी वाला डांस मैं इसको बोलता हूँ यार, माइकल का मुर्गी वाला डांस। और जो जो हमारे माइकल दा प्रेसिडेंट के मुर्गी वाले डांस का दोस्तों यहाँ पर दीवाना हो चुका है ना, तो कॉमेंट करके बताइए। चलिए अब गाइज हम यहाँ पर बिल्कुल सीरियस बातें कर लेते हैं, बहुत मजाक वजाक हो गया आजकल, वैसे मैं वीडियो में यहाँ पर कुछ ज़्यादा मजाक करने लग गया हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो चाइनीज़ माफिया मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर गया था लेस्टर के घर पर, ठीक है, बिग माफिया के बेटे के कहने पर। वहाँ पर मुझे पीसी के अंदर कुछ टॉप सीक्रेट फाइल्स मिली, और वो फाइल्स देख मैं खुल तो सकती थी, मैं सीधा हैकर गर्ल के पास लेकर गया, और हैकर गर्ल ने जब उसको खोला तो एरिया 51 से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई थी, और वही ज़ॉम्बी अटैक ऑन लॉस सैंटोस वाली बातें लिखी हुई थी, ठीक है। और ऐसा लगता है जैसे कि उनकी प्लानिंग की वो हमारे हाथ यहाँ पर जो लग चुकी है, बट एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, ये एरिया 51 क्या चीज़ है और वो लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं चाइनीज़ माफिया, क्या तेरे को इस बारे में यहाँ पर कुछ पता है क्या? अगर पता है तो मेरे को जल्दी बता। ऑलराइट गाइस, तो यार यहाँ पर मेरी जो है चाइनीज़ माफिया से दोस्तों बातचीत कंप्लीट हो चुकी है, और चाइनीज़ माफिया ने भाई देखो मेरे को यहाँ पर ड्रिंक तो पिला रहा है, बट सीधी सीधी बात ये भी बोल रहा है कि भाई देख मेरे को इनके ये जो प्लानिंग वगैरह दोस्तों ये कर रहे हैं ना चाइनीज माफिया को, इस प्लानिंग के बारे में यहां पर कोई भी नॉलेज नहीं है, और ना ही यहां पर बेसिकली रशियन माफिया, तो दोस्तों यहां पर रशिया का रहने वाला है तो इसको कहां से नॉलेज होगी एरिया 51 से रिलेटेड। और दोस्तों एरिया 51 के अंदर ना यहां पर मैं आपको बताऊं एलियंस वगैरह के यूएफओज वगैरह देखकर गए हैं, और वहां पर मिलिट्री बेस है बहुत तगड़े वाला, तुम सभी लोगों को याद होगा जो मेरा मिलिट्री बेस है ना यहां पर जमीन के नीचे जाकर है, वहां पर बहुत ज्यादा मिलिट्री है दोस्तों, वो एरिया 51 है, और शायद से वो वहां पर अटैक वगैरह करने की सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है। क्यों चाइनीज माफिया, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं ना, हाँ हो सकता है यार, बात तो देख बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों फिलहाल अभी यहाँ पर चाइनीज़ माफिया ने मेरे को यहाँ पर बताया है कि वो जो मैंने इससे पूछा कि वो जो तू बता रहा था एयरपोर्ट वगैरह डगन बॉस यहाँ पर बनवा रहा है और जो पार्टी वगैरह का सीन है, तो इसने कहा वो बिल्कुल ऑन है और वहाँ पर पार्टी वगैरह भी आज होने वाली है, और उसने एयरपोर्ट वगैरह बनवा कर अपने घर को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करवा दिया है, तो लिटरली यार उसका घर फाइनली बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपग्रेड हो चुका है, बट देखो उसकी पार्टी के अंदर यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे तो बट मैं एक काम यहाँ पर दोस्तों कर सकता हूँ, मैं उसकी पार्टी में जाकर ना दोस्तों उसकी पार्टी देखो यहाँ पर जो है मैं बिगाड़ सकता हूँ, ठीक है चलो कोई नहीं यार, ऐसा हम यहाँ पर जो है कर एक बार जो है देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, कर हम जो है देख सकते हैं। एक सेकंड, मेरे पास ना यहाँ पर किसी का कॉल आ रहा है, वेट अ सेकंड, मुझे कॉल उठाने दीजिए, किसका कॉल आया है यार ये? हाँ, अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ऑल राइट, हाँ ठीक है, ओके मैं उसी लोकेशन पर पहुँच रहा हूँ, ऑल राइट, ओके 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 गाइस, तो यार यहाँ पर मेरी जो है बिग माफिया के बेटे से बात हुई है, वेट मैं इन दोनों को बोलता हूँ, ये तुम दोनों सुनो, मेरी बिग माफिया के बेटे के से बात अभी हुई है, और बिग माफिया का बेटा मुझसे यहाँ पर जो है कुछ ज़रूरी बात करना चाहता है, और उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, मैं तुम दोनों से थोड़ी देर में मिलता हूँ, ठीक है फिर हम चलेंगे वहाँ पर, ऑल राइट। चलिए गाइस, मुझे भी बिग माफिया के बेटे से भी यार यहाँ पर जो है बातचीत करनी है, और बिग माफिया का बेटा ना काफ़ी घबराया हुआ था, उसने मेरे को मिलने के लिए बुलाया एक लोकेशन पर, उसने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ना दोस्तों यहाँ पर एक लोकेशन शेयर करी है, और उसने बोला है जल्दी से आप यहाँ पर आ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस, चलते हैं अभी उस लोकेशन पर जहाँ पर उसने हमें बुलाया है, बट यार वो इतना ज़्यादा घबराया क्यों हुआ था मेरी ये समझ में नहीं आ रही है बात। चल भाई लैम्बोर्गिनी टेरेज़ो को लेकर हम अपना आराम से निकलते हैं और यहाँ से, और बहुत प्यार मोहब्बत के साथ दोस्तों मैं निकल भी जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से, क्या बात है भाई। देखो गाड़ी तो यार ये जो लैम्बोर्गिनी टेरेज़ो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई, लैम्बो की मुझे सबसे बेस्ट कार लगी है, और ना ही दोस्तों कोई साउंड वगैरह करती है ताकि हमारे दुश्मन को ना पता चल जाए, ठीक है बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर ऐसी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। चलो, और भागने में तो दोस्तों है एक नंबर, भागने में तो तुम्हें सबसे पहले पहुंचा देगी उस लोकेशन पर जहां पर तुम जाना चाहते हो। ओके, क्या भाग रही है गाड़ी यार, क्या भाग रही है,
तो चलिए यार जल्दी से मैं ना जिस लोकेशन पर मुझे यहाँ पर जो है बिग माफिया के बेटे ने बुलाया है मैं उस लोकेशन के ना दोस्तों यहाँ पर नेविगेशन लगा देता हूँ और जल्दी से यार हम उस लोकेशन पर ना यहाँ पर पहुँचते देखते हैं यार यहाँ पर बिग माफिया का बेटा ऐसा कौन सी इतनी ज़रूरी बात करना चाहता है मुझसे जो कि यार इतना ज़्यादा बेचारा फ़ोन क्यों पड़ना है यार यहाँ पर घबराया हुआ था। कोई ना चलता है यार जल्दी से। ए बट कम से कम तुम मुझे ये तो बता सकते हो ना हम यहाँ पर जा कहाँ पर रहे हैं। तो गाइज यार फिलहाल मुझे बिग माफिया का बेटा तो दोस्तों रास्ते में यहाँ पर मिल गया था और वो गाड़ी में ही मेरे साथ बैठा है और वो मुझे गाइज पता नहीं यहाँ नीचे जाने के लिए बोल रहा है लोकेशन पर। आई डोंट नो ये बोल रहा है पहले मेरे साथ चलो मैं तुम्हें सारी की सारी बात वहीं पर जाकर जो है बताने वाला हूँ। कोई दिक्कत की बात नहीं अभी चलो सबसे पहले ना हम इसको लेकर यार उस लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ पर ये हमें लेकर जा रहा है। ऑल राइट गाइज तो यार यहाँ से हमें जो है गाड़ी को इधर घुमाना है ठीक है। बेटी मैं कौन सी लोकेशन पर आ गया हूँ मेरी ये समझ में नहीं आ रहा यार। ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं अभी तो भाई जैसे यहाँ पर बिग माफिया का बेटा बोलता है ना मैं वैसे ही करना होगा। अब गाइज ये ना यहाँ पर बिग माफिया का बेटा फाइनली मेरी मदद कर रहा है। ऑल राइट तो हमें यहाँ पर नीचे चलना है आ जाओ नीचे जाना है ना हाँ आ जाओ फिर फटाफट चलो जल्दी से। तो गाइस उन्हें नीचे जाने के लिए बोला है कोई दिक्कत की बात नहीं है चलते हैं नीचे हम। ये कैसी अजीब सी जगह पर मेरे को ले आया यार ये इसके यहाँ पर लाने का मकसद था क्या खुद भी आ रहा है नीचे। चलो कोई ना भाई अभी तो मेरे को खुद नहीं पता यार असल में इस लोकेशन पर ना मैं बहुत टाइम पहले आया था लिटरली हो गए कम से कम 1 से 1.5 साल हो गया तब मैं दोस्तों इस लोकेशन पर आया था। तभी लोकेशन की भाई हालत भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी थी बट फिलहाल अब तो यार इसकी हालत भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बकवास हो चुकी है एकदम कबाड़ दोस्तों ये लोकेशन यहाँ पर हो गई है। कोई दिक्कत की बात नहीं है ये अपना यहाँ पर कूड़ा करकट निकालने के लिए है और एक बोट भी यहाँ पर खड़ी है आ रहा है वो डांस करके दिखाऊं तुम्हें ये वाला डांस देखो गाइस यार ये डांस एक बार कंप्लीट होने दो क्या डांस है यार माइकल का चिकन डांस यहाँ पर किस किस को अच्छा लगा कमेंट करके बताओ माइकल का चिकन डांस किस किस को अच्छा लगा यहाँ पर भाई साहब। चल भाई चल यार अपने पास अब टाइम नहीं है तूने मेरा डांस वगैरह भी देख लिया बता मेरे को यहाँ पर तू मेरे को क्यों लेकर आया है ठीक है क्योंकि पहले मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है अब सीरियस बात होनी चाहिए वरना मैं तेरी पाइपलाइन गोलियों से भर दूंगा। अच्छा तो मतलब ये बात है चल बहुत बहुत शुक्रिया तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं हम भी ज़रा यहाँ पर फ्यूचर कैसा है भाई उन लोगों का और क्या फ्यूचर की प्लानिंग उन लोगों की यहाँ पर चल रही है कोई दिक्कत की बात नहीं हम भी तो ज़रा यहाँ पर देखें एक बार। तो गाइस फिलहाल यहाँ पर बिग माफिया का बेटा मुझे दोस्तों इसलिए यहाँ पर लेकर आया है शायद से सभी लोगों को ना दोस्तों यहाँ पर दिखेगा नहीं वेट अवाइल में दिखाता हूँ वो देख रही हूँ वहाँ पर क्या चीज़ है वो वहाँ पर जहाँ वो है कौवा सा उड़ रहा है वहाँ पर वो बेसिकली मेरे को बिग माफिया के बेटे ने अभी यहाँ पर बताया कि मैंने रात ही यहाँ पर सुना है इसने मेरे को बताया और ट्रेवर से इसकी बात हुई थी कह रहा है कि ट्रेवर और यहाँ पर एल रूबियो जी हाँ ट्रेवर और एल रूबियो की कुछ ज़्यादा बन रही है फ्रैंकलिन की अंडर वाटर माफिया से यहाँ पर ज़्यादा बनती है क्योंकि दोस्तों बॉडी बिल्डर हैं दोनों के दोनों ठीक है और यहाँ पर जो है डगन बॉस की तो भाई इन सभी लोगों से यहाँ पर बनती है ठीक है। इन सभी का ये प्लान है कि ये अपने लिए एक ख़तरनाक सा बेस बनाने वाले हैं जहाँ पर ये सब मिला करेंगे और वहाँ पर अपनी मीटिंग वगैरह किया करेंगे आने के बाद ठीक है। और ये बता रहा है मेरे को फिलहाल अभी उस बेस के ऊपर ना यहाँ पर उसके जो डगन वगन बॉस है ना और इन एल रूबियो वगैरह के ना सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स वगैरह हैं अभी वो लोग वहाँ पर नहीं है बट वो लोग ना दोस्तों यहाँ पर इसको पहचानते हैं ठीक है। तो ये मेरे साथ यहाँ पर नहीं जा सकता और ये मेरा ना दोस्तों यहीं पर इंतज़ार करेगा ये बोला है आप एक बार देख कर आइए और वहाँ पर एक बार जाँच कर लेना अच्छे से उनके उनसे छुप छुपाते हुए। तो गाइज इसने बोला कि मुझे लगा कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करनी चाहिए इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है दी है। और गाइज भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत बहुत शुक्रिया तेरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। चल एक काम कर सबसे पहले तो मेरा यहीं पर इंतज़ार कर मैं आता हूँ सबसे पहले तो मुझे भी वहाँ पर जाकर ना देखना ही है बाद में तसल्ली होगी इससे पहले होने ही नहीं वाली। क्या तू भी साथ चलेगा क्या चल देख ले फिर बोट में बैठा रहना। ऑल राइट गाइज ये भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया है बोल रहा है मैं बोट में बैठा रहूँगा हाँ वैसे भी तो यहाँ पर खड़ा ही है बोट में ही बैठा रहना
चलिए गाइस चलते हैं यार, और जाकर एक बार देखना तो अब पड़ेगा ही ना यार। ये डगन वगन बॉस सर यार हमारी गैर मौजूदगी में इतने लंबे लंबे भाई हो गए क्या? बाकी यार ये लहरें बोट छोटी है यार लहरों के हिसाब से, बहुत ज़्यादा लहरें यार समुद्र में इस टाइम। यार लहरों की वजह से ही नहीं मैं आगे जा पाऊँगा अब, बहुत दूर भी है यार वो लोकेशन भी। चलो कोई ना गाइस, इस इन लहरों का सामना तो देखो हमें करना पड़ेगा ही। एक काम करता हूँ, इधर को ऐसे जाने की कोशिश करता हूँ। भाई मैं इधर से लेकर जाऊँ या मैं उधर से लेकर जाऊँ? दोस्तों लहरें दोनों तरफ से यार यहाँ पर जो आने ही वाली हैं। अरे यार ये तो भाई एकदम फंसने वाली बात हो गई कि बंदा इधर से भी फंस रहा है, बंदा उधर से फंस रहा है। हाँ बस वही बात हो गई और कुछ नहीं है। बढ़िया, अभी तो देखते हैं यार इसको चलाकर। चल मेरी बोट, चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा। अरे यार अपनी बोट भी ना यार दोस्तों। चल यार गाइज इस बोट से वहां तक जाना गाइज एकदम महाभारत हो गया है। समुद्र के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लहरें तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, बट गाइज वो लोकेशन हमारे लिए विजिबल होती जा रही है। और यहाँ पर ना एक ऑयल रिंग भी है जहाँ से समुंदर के अंदर से जो तेल नहीं निकाला जाता दोस्तों, जो डगन बॉस का यहाँ पर था, डगन बॉस का था शायद से प्रेसिडेंट का था, और मैंने दुबई के शेख को बेच दी थी भाई वो जगह। तो दुबई के शेख का ऑयल रिंग के पास ही इन्होंने बनाया, और ये बोल रहा है कि उन लोगों ने ना उस ऑयल रिंग पर भी यहाँ पर कब्जा कर लिया, और जो दुबई का शेख था ना वो उसको मार दिया था भाई। मतलब ये लोग भी बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लानिंग के साथ चल रहे हैं गाइस। यार इन लोगों ने यहाँ पर कुछ सिस्टम चलाया हुआ है क्या? इतनी ज़्यादा खतरनाक लहरें हैं भाई। ये ना देखो दोस्तों वो ऑयल रिंग, इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है इस ऑयल रिंग में दोस्तों। ये दूर से जो है इतनी जल्दी विजिबल नहीं होता है, पास आने के बाद दोस्तों दिखता है। और इसके पास ही इन लोगों ने यार वो दूसरी जो सिटी बता रहा है ना वो सिटी बनाई है, वो देखो यहाँ से जो है नज़र आ रही है वो सिटी। परफेक्ट राइट गाइस, फाइनल दोस्तों हम सिटी के पास पहुंच गए। ओके, और ये जो सिटी है ना दोस्तों इसके अंदर मटेरियल कुछ इस टाइप का यूज़ किया गया है, ये बता रहे हैं। नीचे से तो एकदम आर पार दिखाई देता है और ऊपर से चलती हुई दिखाई देती है। मैं फ़िलहाल तेरे को बोट में छोड़ कर जाऊँगा, यहीं से जाने की कोशिश करता हूँ। फ़िलहाल अभी तो इसके वर्कर्स वगैरह ये यहाँ पर, तो मैं जा सकता हूँ। बट मेरे को पानी का इंतज़ाम वो देखना पड़ेगा, मैं निकलूँगा कैसे यार यहाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे पानी की लहर के साथ ऊपर उठना पड़ेगा। तू पानी में ही मेरा इंतज़ार करना, समझ गया ना? हाँ गाइस मुझे पानी की लहर के साथ ऊपर उठना पड़ेगा, ऐसे तो मैं जा भी नहीं पाऊँगा। अबे चल ना, पानी की लहर के साथ ही उठ सकता हूँ दोस्तों, उसके अलावा तो ऊपर जाने का और कोई भी सोर्स नहीं है भाई। पानी की लहर ही दोस्तों मैं ऊपर तक लेकर जा सकती है। अभी हमें थोड़ा इंतज़ार ही करना होगा इतनी बड़ी लहर आने का। यार चल आराम से आ रहा हूँ मैं। अरे यार फाइनली दोस्तों, मतलब इतनी देर भाई पानी के अंदर रुकने के बाद यार उस बिग माफिया के बेटे के साथ यार, अब फाइनली यार मैं पहुँच गया। मुझे उसके कंधों के ऊपर बैठकर गाइस यहाँ तक जो है आना पड़ा। बट भाई जो इन लोगों ने ये जो लोकेशन बना रहे हैं ये बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक टाइप की लग रही है मेरे को भाई। गोल्ड की प्लेटेड की जा रही है क्या यहाँ पर? इतना सारा सोना कहाँ से आ गया इनके पास? गाइज इन लोगों ने यार यहाँ पर मतलब फर्श टाइप की जो लोकेशन है ना दोस्तों, इस पूरी जगह पर इन लोगों ने दोस्तों यहाँ पर सोने का इस्तेमाल किया है, प्योर गोल्ड का। भाई साहब यार इतना पैसा इन लोगों के पास आया कहाँ से, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। कोई ना, चलो एक बार जाकर देखता हूँ फिलहाल इस लोकेशन पर इन लोगों ने ऐसा किया क्या है। ऊपर ही जाकर देखना पड़ेगा। उसने बताया कि डगन वगन बॉस और कोई भी अभी यहाँ पर है नहीं, अभी उनकी लोकेशन ना अंडर डेवलपमेंट में ही है। वैसे तो मुझे यहाँ पर कोई बंदे भी नहीं नज़र आ रहे, जैसे वो बोल रहा था कि उनके कुछ वर्कर्स वगैरह यहाँ पर होने वाले हैं, ऐसे तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कौवे वगैरह उड़ रहे हैं।
और भाई साहब ये रहने की जगह बनाई है या फिर किस टाइप की जगह बनाई है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्या चीज़ है गाइस? अगर तुम्हें पता है ना, यहाँ पर कुछ लोग हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग हैं, शायद से वो मुझे यहाँ पर देख सकते हैं। एक काम करता हूँ, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर कुछ हैं। और सबके सपना दोस्तों, यहाँ पर तुमने एक चीज़ नोटिस करी, लड़कियाँ और जो लड़के भी हैं वो पीछे भी वहाँ पर खड़े हैं, वो सब नीले कपड़ों के अंदर है, शायद से यहाँ की यूनिफॉर्म होने वाली है। ऑलराइट, तो मैं इधर नहीं जा सकता, यहाँ पर लोग भाग है पहले से ही। ऑलराइट, इधर चल कर देखता हूँ, ये क्या चीज़ है यार इतनी बड़ी सी, ओ माय गॉड, ये देखिए दोस्तों, मतलब क्या हो रहा है यार। ओके, तो ये क्या चीज़ है, इतना बड़ा सा सर्कल है, कहीं ये कुछ मतलब फ्यूचर जैसी तो चीज़ नहीं है? और ये कोई दरवाज़ा, मतलब यार देखो वहाँ पर ना कुछ हो रहा है। और देखो यार, मुझे ना ये चीज़ यहाँ पर सही नहीं लगती कि मैं उस दरवाज़े के आर पार जाऊँ, शायद से ऐसा हो कि ये किसी दूसरी दुनिया में भेजने का दरवाज़ा हो या फिर फ्यूचर में जाने का दरवाज़ा हो, ऐसा भी तो हो सकता है गाइस। मैं कोई भी फ़िलहाल रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं इस लोकेशन से आगे बढ़ता हूँ। ये मेरे को काफ़ी यूनिक चीज़ लगी। और वहाँ पर देखिए, शायद से वहाँ पर लोग बाग बैठे हैं ना। मैं मेरे फ़ोन से ही दिखाने की कोशिश करूँगा तुम्हें। वहाँ पर भी ना दोस्तों कुछ लोग बाग बैठे हुए हैं, वहाँ पर चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं। गुड भाई, मुझे इस चीज़ से यहाँ पर काफ़ी डर लग रहा है। मैंने कहा ये क्या चीज़ है यार, ये पक्का दोस्तों मतलब कुछ फ्यूचर में जाने वाने का ही मेरे को कुछ सोर्स या कोई दरवाज़ा टाइप लग रही है भाई ये जगह, पक्का ये कुछ ऐसा ही सिस्टम है यार, पक्का ऐसे ही सिस्टम किया गया है कुछ, वरना देखो पीछे निकलने का रास्ता भी नहीं है भाई, पक्का वो कहीं भेजने का मामला पानी है। और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, वो मुझे देखना ले, इधर को चल आराम आराम से। ये मेरे ख्याल से सिनेमा है, और सिनेमा के लिए ना यहाँ पर सीट्स वगैरह लगाई गई हैं। आराम आराम से मैं चलता हूँ, मेरे को देखना ले यार बस वो लोग। हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी डिस्प्ले लगाई गई है, और इस डिस्प्ले के अंदर पक्का उन लोगों की यहाँ पर प्लानिंग वगैरह चलेगी। ठीक है, ऑल राइट। और गाइज यार, यहाँ पर इतनी सारी सीट्स हैं भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या चीज़ है भाई, उस लड़की के हाथ में क्या है? हाय, वो लड़की ना दोस्तों यहाँ पर इन लोगों को कुछ मंत्र वगैरह बोलकर दिखा रही है, और उसके हाथों में ना कुछ बहुत ज़्यादा जलने वाली मतलब कुछ टाइप की चीज़ है भाई वो। और ये लोग बैठकर भाई उन्हीं मंत्र को यहाँ पर दोस्तों रिपीट वगैरह कर रहे हैं। अरे ये ढक्कन वक्कन बॉसर मतलब क्या करने लग गए? यार गाइस, मुझे ना किसी अकेले को देखकर ना पकड़ना होगा, और पकड़ने के बाद ना गाइस उसी से यहाँ पर सब कुछ पूछना होगा। ऐसे तो देखो भाई यहाँ पर कुछ पता चलेगा नहीं, ज़्यादातर लोगों से पूछूंगा तो मतलब पता चल सकता है डगन वगन बॉस को कि मुझे इस लोकेशन के बारे में पता चल गया। देखता हूँ, ओह वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, बहुत गुड। चलिए, ये ऑयल रिंग की तरफ क्या देख रहा है? मैं बहुत सावधानी से दोस्तों जाऊंगा, और जाने के बाद ना इसको वहीं पर दबोचने वाला हूँ, इससे वहीं पर पूछने की कोशिश करूंगा, शायद से हमें दोस्तों यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देखो जहाँ तक लगता है मिल भी सकती है। ऑल राइट, अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ फटाफट, जल्दी से जल्दी, वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं, फटाफट खड़े हो जाओ। अगर तुम्हारी यहाँ पर एक भी बात झूठ निकली ना, तो मतलब समझ रहे हो ना तुम। ऑल राइट गाइज, तो यार फिलहाल मेरी से जो यहाँ पर बातचीत हो चुकी है दोस्तों, और ये यहाँ का जो है वर्कर है, और दोस्तों यहाँ पर ना वही एक ऐसा गेट बनाया गया है जो कि आपको दूसरी दुनिया के अंदर लेकर जा सकता है।
भाई साहब, और यहाँ पर ना बेसिकली ये जितने भी लोग हैं ना, ये तो बस यहाँ पर यहाँ का एक स्टूडेंट है दोस्तों, जो कि यहाँ पर फिलहाल अभी सीख रहा है। वो जो लड़की है ना दोस्तों, वो जादूगर है और यहाँ पर जादू वादू सिखाया जाता है। और वो जादुई दरवाज़ा है जिसके आर पार जाने के बाद इसने बोला है कि लोग दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं। और इसको भी पता है कि डगन बॉस और ये सब ना दोस्तों, यहाँ पर जितने भी ये लोग भाग हैं, ये सब के सब गाइज यहाँ के मालिक हैं। और इसने बताया कि मालिक लोग अभी यहाँ पर कल परसों को यहाँ पर आने वाले हैं, बहुत बड़ी पार्टी है यहाँ पर। हाय, मतलब कि बहुत तगड़ा मामला चल रहा है दोस्तों, समझ रहे हो ना तुम, बहुत तगड़ा मामला चल रहा है। ओके, तो फिलहाल अब इतना तो दोस्तों पता चल गया, ये एक जादुई टाइप की दुनिया बनाई जा रही है। और दोस्तों डगन बॉस दुनिया भर से जो बहुत बड़े बड़े जादूगर हैं ना, उनको इकट्ठा कर कर यहाँ पर लेकर आ रहा है। तो डगन बॉस भाई फाइट में अब यहाँ पर जीत नहीं पाया, तो अब दोस्तों यहाँ पर वो जादूगरों का इस्तेमाल करेगा दोस्तों मुझे यहाँ पर हराने के लिए। हो सकता है ऐसा, चलो कोई ना, फिलहाल चलिए अब हम दोस्तों यहाँ से जो निकलते हैं। मैंने देखी यार ये वाला लोकेशन काफ़ी तगड़ी है, अब इसका यहाँ पर क्या करना है यार, बता भी सकता है ये, इसने बता तो दिया, इसके करंट लग गया ये। यार मैं भूल कैसे गया था, ये भी जादू सीख रहा है दोस्तों, इसको कुछ होगा नहीं मेरे हिसाब से। देखो जरा भाई क्या हो रहा है, देख रहे हो दोस्तों, इसको कुछ भी असर नहीं हो रहा जादू का, वहीं के वहीं अटक जाता है और कुछ मंत्र पढ़ रहा है ये। देखो ये ना दोस्तों, कुछ मंत्र पढ़ रहा है, देखो दिख रहा है ना तुम्हें, कुछ मंत्र पढ़ रहा है भाई, इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा। ओके, तो उससे तो तेरे ऊपर यहाँ पर कोई असर नहीं हुआ था, बट ये जो गन है ना, ये तेरे आर पार हो जाएगी। मैं गन देखो दोस्तों कितनी छोटी सी लेकर आया था, और ये बोल रहा है कि मैं मरने से नहीं डरता, मारना चाहते हो तो मार दो, बट दोस्तों यार देखो मैं इसको जो है मारना ही चाहूँगा। गया गया गया, आवाज़ तो देखो हुई थी, ठीक है ये चला गया। इसको पानी में फेंकता हूँ, मैं भी पानी में गिर जाता हूँ, बढ़िया। उसकी बॉडी तो दोस्तों यहाँ पर जो डूब जाएगी, बहुत सही। चलो अब मैं यहाँ से जो दोस्तों निकलता हूँ फिलहाल इस लोकेशन से। अब हमें गाइस यहाँ पर जो है चलना चाहिए। मैंने उस बंदे को तो देखो यार यहाँ पर जो है मौत के घाट उतार दिया, वो इतनी कोई बड़ी वो बात नहीं थी, बट ये जो यहाँ पर ये सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ना अभी इस चीज़ को यहाँ पर जो है संभाल कर रखना चाहिए, और एकदम टाइम आने पर गाइस मैं इस चीज़ को और इस इन्फॉर्मेशन को ना यहाँ पर यूज़ करूँगा। चलो फिलहाल मैं रश यहाँ पर बिग माफिया के बेटे को बिठाता हूँ, और फटाफट हम यहाँ पर जो है चलते हैं बोट के अंदर, फटाफट बुलाता हूँ। यार बिग माफिया का बेटा है कहाँ? राइट गाइस, तो फाइनली यार हम पहुँचने वाले हैं अब जहाँ से दोस्तों हम निकले थे वहीं पर, और मैं इसको दोस्तों ढूंढ रहा था। ये भाई वो बोट के अंदर कुछ कमी आ गई थी, तो ये ऑयल ड्रिंक से दोस्तों दूसरी बोट चोरी करके लेकर आया है भाई। बिग माफिया का बेटा भी दोस्तों पक्का चोर है यार, यहाँ पर दूसरी बोट भी चोरी कर ले आया। चलो कोई ना यार, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, हमें यहाँ पर किसी से कोई लेना देना नहीं है। चलो अब जल्दी से हम अपनी इसको यहाँ ना यहाँ पर लेकर चलते हैं दोस्तों। और फिलहाल जहाँ पर वो डगन बॉस का वो बताया जा रहा है ना, जहाँ पर भी उसने भाई वो लोकेशन वगैरह अपने घर पर उसने वो जो भी मंगाया है, तो मुझे वहाँ पर देखो अटैक करना है, क्योंकि मेरा मन है भाई, मेरा मन है तो अटैक करना है, तो दोस्तों मैं अटैक करूँगा, और किसी भी कीमत पर दोस्तों मैं यहाँ पर अटैक करके ही रहूँगा। तो अब गाइज यार वहाँ पर अगर मुझे अटैक करना है ना, तो मुझे पहले ही अपनी बैकबोन यहाँ पर मजबूत करके जो है वहाँ पर जाना पड़ेगा। और बैकबोन मजबूत कैसे होगी दोस्तों, मैं यहाँ पर सबसे पहले जाऊँगा बिग माफिया की टनल के अंदर। बिग माफिया की टनल के अंदर जाने के बाद ना दोस्तों, मुझे सबसे पहले आपको पता ही है कि यहाँ से उठाना है बिग माफिया की टनल में। आप सब लोगों को याद होगा मैंने बिग माफिया की टनल के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो है अपना टैंक रख रखा है, जो कि मैंने यहाँ पर मिलिट्री से दोस्तों चोरी किया था जब मैं इल्यूमिनाटी हुआ करता था, माइकल द इल्यूमिनाटी, जब मैं माइकल द प्रेसिडेंट दोस्तों नहीं था, तो तब ये बात है गाइज। और अब तुम्हारा भाई तो भाई माइकल द प्रेसिडेंट बन ही चुका है, तो अब सीधा भाई हम वो तोप निकालेंगे और लेकर सीधा पहुँचेंगे भाई हम उस लोकेशन पर, और मैं सीधा भाई तोप से अटैक करने वाला हूँ, ताकि उसको भी तो पता चले कि हाँ भाई माइकल द प्रेसिडेंट अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है, और तुम्हारी हर एक एक्टिविटी के ऊपर यहाँ पर जो है माइकल द प्रेसिडेंट यहाँ पर जो है नज़र रखता है। ऑल राइट, आजा भाई बिग माफिया की बेटे, जल्दी आ, तू भी साथ चलेगा। यार एक तो बिग माफिया का बेटा ना बहुत ज़्यादा ढीला है दोस्तों, कहाँ रह गया?
ये गाड़ी बड़ी तगड़ी है यार, जल्दी आ भाई, जल्दी आ। बाकी ये टेरेज़ो की लाइट्स हैं और ये इंडिकेटर्स हैं, मस्त। चलो और राइट गाइस, तो चलिए अब हम अपनी लैम्बोर्गिनी टेरेज़ो को लेकर जल्दी से पहुंचते हैं दोस्तों बिग माफी की टनल के अंदर। और बिग माफी की टनल के अंदर से बस यार मुझे यहाँ पर जो है उसको निकालना है अपने टैंक को। भाई ये बसेस वगैरह कितनी जा रही हैं। चलो ये चीज़ ग्रेट हो गई। क्या भागती अपनी गाड़ी, क्या भागती है, मज़ा ही तो आ जाता है गाड़ी को भगाने में, मज़ा ही तो आ जाता है आराम से आराम से। चलिए तो गाइज अब फटाफट हम यहाँ पर जो जल्दी से बिग माफी की टनल के अंदर चलते हैं और अपने टैंक को निकाल कर लाते हैं। भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने टैंक को दोस्तों निकालने के लिए और इन सभी लोगों की ना दोस्तों यहाँ पर पुंगी बजाने के लिए, मतलब ख़तरनाक मज़ा आने वाला है आज वीडियो में, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। चलो अब यार जल्दी चल रहे हैं। राइट गाइज, तो बिग माफी की टनल का दोस्तों मैंने जो है यहाँ पर रास्ता खोल दिया है, अब चलो यार आराम से हम जो चलते हैं अंदर। बढ़िया भाई साहब, बिग माफिया के बेटे को तो यहाँ पर बिग माफिया की टनल के बारे में दोस्तों सारी की सारी चीज़ें ही दोस्तों यहाँ पर जो है पता है। और भाई ये लैम्बोर्गिनी टेरेज़ो देखो भाई, रात के अंधेरे में तो भाई क्या ही लगती है यार गाड़ी, क्या बात है भाई, गाड़ी है यार लैम्बोर्गिनी ने ना भाई कोई गाड़ी बना रखी है। इसके व्हील देख रहे हो दोस्तों, व्हील के अंदर कितनी ज़्यादा खतरनाक यार, यहाँ पर लाइट्स वगैरह जल रही हैं, कसम से बता रहा हूँ मेरे को भाई लैम्बोर्गिनी टेरेज़ो देखने के बाद ना भाई लैम्बोर्गिनी से दोबारा से प्यार हो गया बस, ये कह सकते हो तुम, लैम्बोर्गिनी से फिर से प्यार हो गया जो कि बहुत टाइम पहले था पर अब दोबारा हो चुका है। इतनी तगड़ी गाड़ी बना दी दोस्तों लैम्बोर्गिनी वाली। चलो आराम से, जबकि मैंने स्पीड ना 132 पर लॉक कर दी थी यहाँ पर। चलो अनलॉक कर देता हूँ वैसे भी स्पीड को मैं। यार गाइस यार यहाँ से टैंक निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, मुझे ना अपनी लैम्बोर्गिनी टेरेज़ो को ना काफ़ी दूर खड़ी कर देनी चाहिए। इधर को कर देता हूँ। तो गाइस अब यार यहाँ से हम जो है ईजिली टैंक निकाल लेंगे। हाँ बस यहीं कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद करते गाड़ी का। अरे यार तू भी कैसा बंदा है ओ भाई, अबे इतनी ज़्यादा तेरे अंदर कहाँ से कमज़ोरी आ गई है बे। हाँ नहीं तो यार, चलिए गाइज अब चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। और भाई साहब ये लोकेशन चेक करो आप सभी लोग, बिग माफे की टनल तो यार मशहूर है यार हर ही जगह पर, आप सभी लोगों को पता ही होगा बिग माफे की टनल दोस्तों हर जगह पर कितनी ज़्यादा मशहूर है। अब जो टैंक है वो यार मैंने यहाँ पर अंदर वाली तरफ दोस्तों यहाँ पर जो खड़ा कर रखा है, तो चलो सब फटाफट सबसे पहले हम जो है टैंक निकाल कर लेकर आते हैं और जल्दी से उसको लॉस सैंटोस लेकर चलते हैं। तो सब तो यहाँ पर ठीक है, बट तुझे टेरेज़ो को लेकर ना सुरक्षित पहुँच जाना है, ठीक है, प्लेबॉय मेंशन पर मिलना। ऑल राइट तो गाइज यार यहाँ पर जो है बिग माफिया का बेटा तो दोस्तों यहाँ पर जो है लैम्बोर्गिनी टेरेज़ो को लेकर यहाँ से जाएगा थोड़ी देर में, जब मैं दोस्तों यहाँ से जो निकल जाऊँगा। और मैंने इसको सीधा बोला है यहाँ पर सीधा अपने बाप के पास ना प्लेबॉय मेंशन चले जाना, मैं वहीं पर आकर मिलूँगा। ऑल राइट गाइज, तो चलो मैं अपने टैंक में बैठ जाता हूँ, चलते अपने टैंक को लेकर। फाइनली इजी आराम से निकालना है। देख रहे हो भाई ये टैंक किस टाइप का है, टैंक की लाइट्स, बस मुझे टैंक की ये चीज़ अच्छी लगती है यहाँ पर इस टैंक की। ये देखो वह कुछ नहीं होगा, बिग माफी की टनल तो बहुत मजबूत है भाई, बस इस लोकेशन से निकलना बहुत ज़्यादा भारी है यार। मैं सामान को पहले ही साइड कर देता हूँ, अटकता हुआ चलेगा यार इसके ऊपर से, मुझे पता था पहले ही, इसीलिए मुझे ना बस थोड़ा सा यहाँ से निकालने में इसको डिफ़िकल्टी हो रही है, अदरवाइज और इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी कहीं नहीं आने वाली यार, बस यहीं पर है। चलो जल्दी से 62 63 64 65 पर तो दोस्तों ये भाग ही रहा है,
इतना भी कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, भागना है तो भाई भागेगा ही। चलो बहुत सही, ये सामान अच्छा होता है, हम पहले दोस्तों यहाँ पर जो है खोल लेते हैं। चलो बहुत सही, अब यहाँ से इसको टैंक को लेकर निकलते हैं और मैं सीधा ना तुम्हें डगन बॉस के घर के आसपास वाली लोकेशन पर ही मिलूँगा, क्योंकि टैंक बहुत ज़्यादा स्लो चलता है और वहाँ तक पहुँचने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो ना तुम। चलो चल रहे हैं हम जल्दी से गाइस। तो फाइनली यार मैं उस लोकेशन पर यहाँ पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर दोस्तों डगन बॉस ने भाई इतना सब कुछ किया है, और गाइस यार यहाँ पर ना पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों जो टैंक मैं यहाँ पर लेकर आया था ना, टैंक मैंने वहाँ पर दोस्तों ऊपर की ओर जाओ यहाँ पर जो है पार्क कर दिया है, और फिलहाल मैं यहाँ पर ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जो है इसके अंदर जाने की सोच रहा हूँ। बट गाइस यार यहाँ पर ना एक चीज़ की दिक्कत है, डगन बॉस ने यहाँ पर एक ऐसी रेंज ग्रेविटी डाल रखी है जिससे कि दोस्तों हमें नॉर्मल आई ध्यान से ही नहीं देख पा रही है दोस्तों ऐसे। हाँ ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, और सभी लोगों ने दोस्तों यहाँ पर चश्मा लगाया हुआ है, जो नंगी आंखों से देख रहा है उसको ऐसे ही दिखाई देगा। आप सभी लोगों को भी कोई स्क्रीन ब्लैक ब्लैक से ऐसे नज़र आ रही है दोस्तों, इसी चीज़ की वजह से है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना दोस्तों पहाड़ के ऊपर से जाने की कोशिश करूँगा और मैं तुम्हें पहाड़ के ऊपर से का यहाँ पर एक बार नज़ारा तो दिखाता हूँ। असल में भाई डगन बॉस ने यहाँ पर जो तरक्की भाई साहब की है ना, वो तरक्की कितनी तगड़ी है भाई। चलो जब भी मैं इसकी तरफ देखता हूँ ना दोस्तों, तभी यार ये चीज़ यहाँ पर जो हो रही है, अदरवाइज मैं ऊपर देख रहा हूँ तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। डगन बॉस ने अपना बहुत खतरनाक दिमाग लगाया यार इस बार, तो इस बार मुझे लग रहा है भाई साहब ये कुछ ज़्यादा मतलब आगे निकल चुका है इन चीज़ों के रिलेटेड। चलो मैं थोड़ा इधर को ले जाकर दिखाता हूँ। बेटा भाई इसने यहाँ पर भी तो दोस्तों कुछ चीज़ें बनवाई हैं। चल 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 माइकल द प्रेजेंट, चल भाई तू कर सकता है। यहाँ पर इसके कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं। अबे नीचे भी नहीं देख पा रहा मैं तो, नीचे देखना है तो इधर को नीचे जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ देख ही नहीं पाऊँगा। चल कोई ना, जहाँ इतने एफर्ट्स लिए हैं नीचे को भी चलते ही हैं। हाँ यहाँ पर दोस्तों काम वगैरह चल रहा है, बट वो जो दोस्तों वर्कर है ना उसका यहाँ पर ध्यान दोस्तों पीछे की ओर है। तो वो भाई नीचे प्लेन भी खड़ा है एक, ये क्रैश हुआ प्लेन खड़ा है कोई सा। हाँ भाई साहब पहले सब कुछ भी ऐसी जगहें यहाँ पर नहीं थी, बट डगन बॉस ने इतना कुछ दोस्त यहाँ पर कर दिया तो भाई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं। मेरे पास कोई वेपन भी नहीं है क्योंकि वेपन मैंने सारे टैंक में ही रख दिए थे। आराम से बस एक बारी मारता है भाई, हमें सब कुछ ना यहाँ पर दोस्तों पता रहता है। ओके तो गाइज ये है एंटर मिलिट्री गैरेज, तो ये कोई मिलिट्री गैरेज में जाने का रास्ता है। मैं ये कहाँ आ गया, शायद से लोग मुझे यहाँ पर जानते भी हैं, वैसे कुछ भी नहीं कह रहे पर मैं बेवकूफ़ ही हो गया जो मैं इधर आया हूँ दोस्तों। एक काम करता हूँ यार, चल इल्यूमिनाटी लॉकेट तो आई, फाइट स्टार्ट हो जाए। इससे वेपन वगैरह मेरे को कुछ गाइस, इससे हमें AK-47 मिल चुके हैं, इन लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चला। अब इन लोगों को खैर नहीं, खत्म खत्म खत्म। और भी कोई है क्या यार यहाँ पर? ऑलराइट यहाँ पर पक्का कोई ना कोई होगा, और भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? You getting off on this little man? ओबी गाइस यार यहाँ पर ट्रेवर खड़ा है, ट्रेवर ही था ना वो, ये ट्रेवर ही है क्या? मैंने उसके सामने मारा और उसने कुछ करा क्यों नहीं यार? ये वाकई में ट्रेवर है ना तो मैं इसको धो देता हूँ। This is a power thing, buddy. है?
ये क्या बवाल है, ये ट्रेवर नहीं है यार। Come on then, do it. ये ट्रेवर नहीं है, जस्ट एक होलोग्राम बनाया गया है दोस्तों, जस्ट एक होलोग्राम है। देखो इसके आर पार भी यहाँ पर देखो नजर आ रहा है, देखो तुम ध्यान से देखोगे ना इसके आर पार भी दोस्तों यहाँ पर जो है नजर आ रहा है। ये ट्रेवर नहीं है यार, मैं भी तो सोचू एकदम ट्रेवर यहाँ से कहाँ पर आ गया। ये होलोग्राम बना रखा है शायद से इन लोगों के लिए यहाँ पर, और एक ही यहाँ पर काम कर रहा है, इसको पता नहीं चला था। बस एक ही होलोग्राम टाइप दोस्तों चीज यहाँ पर बना रखी है। और गाइस साहब कितनी सारी दोस्तों यहाँ पर मिलिट्री के व्हीकल्स वगैरह खड़े हैं यार यहाँ पर डगन बॉस की जगह पर, बहुत तगड़े, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। एक काम करूँ क्या, इसको मैं ब्लास्ट भी कर सकता हूँ। फिलहाल दोस्तों सारे के सारे वेपन्स मैंने यहीं से जो है उठाए थे। जितनी भी गाड़ियाँ हैं एक बारी में ब्लास्ट कर सकता हूँ दोस्तों मैं। बढ़िया, नाइस, ये भी। चलिए गाइस तो गेम देखने के लिए तैयार हो। फाइनली ये गाड़ी भी नहीं गई। राइट गाइस यार इनसे यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा है, ये गाड़ी बहुत वो है पावरफुल। गई क्या, हुई क्या ब्लास्ट अभी भी, अब हो गई ब्लास्ट। ये गाड़ी भी गई, करूमा भी गई भाई, मिलिट्री टैंक भी जाएगा, गया। ऑल राइट गाइज, तो मैंने इसका पूरा गैरेज तो तबाह कर दिया, और ये ड्राइवर का होलोग्राम देखो भाई, और एक गाड़ी रह गई, ये वाली गाड़ी रह गई भाई, ये कितनी मिसाइल झेल लेगी, बस दो तीन ही मिसाइल झेल पाती है दोस्तों ये गाड़ियाँ, और फिर एकदम ख़त्म। चलिए अब निकलते हैं यार यहाँ से। फिलहाल मैं यहाँ से टेलीपोर्ट होकर, वो भाई मैं कौन सी जगह पर आ गया, कुछ छुप जाना चाहिए इधर गाइज, मैं कहीं यहाँ ऊपर आ चुका हूँ और मुझे खुद नहीं पता है कौन सी लोकेशन है यार। चल खत्म, मेरे ख्याल से मैं यहाँ ऊपर जो सो इन्हें जो एयरपोर्ट बनवाया है ना मैं वहाँ पर आ चुका हूँ। तो गाइज़ इस वीडियो को एंड करने का यहीं पर टाइम आ चुका है, ठीक है। तो गाइज़ इस वीडियो को फिलहाल के लिए तो दोस्तों हम यहीं पर एंड करते हैं, और कल वाला वीडियो ना दोस्तों यहीं से स्टार्ट होगा और हम यहीं से तबाही जो है पूरी मचाने वाले हैं। अभी तो मैंने इसका बस ये गैरेज वगैरह यहाँ से जो है दोस्तों ब्लास्ट किया, असल में थोड़ा ना दूर की तरफ है तो लोगों को पता नहीं चला, बट टेलीपोर्ट होकर मैं एकदम अलग लोकेशन पर ही आ गया। तो भाई अब देखते हैं गाइज़ यार यहाँ पर कल क्या होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड तुम्हें यहाँ पर अच्छा लगा होगा, लगा है तो कर दो वीडियो को लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलूंगा आपसे लेटेस्ट और ब्रांड वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना यहाँ पर ख्याल रखिएगा दोस्तों, खुश रहिए, बाय बाय गाइस। तो चलिए आप सभी भाइयों के अभी यहाँ पर जो है कॉमेंट्स वगैरह को हम यहाँ पर दोस्तों जो है रीड वगैरह कर लेते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो भाइयों के कॉमेंट्स हैं, आरिश भाई आप डेविन वेस्टर्न की आर्ट गैलरी कब चोरी करने वाले हैं? और डेविन वेस्टर्न वैसे मेरा दोस्त है, और उसकी आर्ट गैलरी चोरी करने का भी मैंने यहाँ पर वैसे कुछ सोचा नहीं है, बट अगर तुम सभी लोग सोचते हो तो हम करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, इतने टाइम से कह रहा हूँ प्लीज़ पिन कर दो इस बार, दोनों करेंगे, ठीक है। चलो भाई पिन कर दिया इस बार हमने भाई का कमेंट, सबको मार दो आरिश भाई, बहुत बढ़िया, थैंक्स आरिश भाई। आप आरिश भाई आप नोब आई हर ट्रेसी कमिश्नर पुलिस, लव यू ब्रो, ब्रो मेक ट्रेसी कमिश्नर पुलिस, ठीक है भाई। बिग माफिया को तुम्हारे इल्यूमिनाटी टनल में डाल दो, मैं भी सोच रहा हूँ डालेंगे, चलो
चलो भाइयों क्या है, आरिश भाई एक रोबोट वाला सिक्योरिटी गार्ड आपके साथ रखा करो प्लीज आरिश भाई। ठीक है भाई, जो अभी बनवाया है। ठीक है भाई, 2 घंटे का एपिसोड लाओ भाई, नेक्स्ट लेवल किंग ओपी। थैंक यू सो मच, लव यू आरिश भाई, बेस्ट एपिसोड, थैंक यू। 2 आर का एपिसोड प्लीज। ठीक है, 2 घंटे का एपिसोड, लव यू आरिश भाई, लव यू आरिश भाई, बेस्ट एपिसोड प्लीज पिन द कमेंट, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई। प्लीज कार कलेक्शन भी दिखाओ, इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके, लव यू भाई। अशफाक नूरी UK07, भाई तुम इतने टाइम से कहाँ पर थे, मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था अशफाक नूरी भाई तुम्हारा, बट तुम्हारा कुछ अता पता नहीं था। ओपी भाई, भाई आप बहुत मस्त वीडियो बनाते हो, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज एवरी संडे 2 आर एपिसोड। ठीक है भाई, लव यू भाई, यू आर द बेस्ट। आरिश भाई मेरा कमेंट वायरल कर रहा ना प्लीज। ठीक है भाई, तुम्हारा कमेंट भी एक दिन जरूर वायरल होगा। आरिश भाई आप संडे को 1 घंटा 35 मिनट का वीडियो अपलोड करो करो ना प्लीज। ठीक है भाई, खैर जहां पर अपना सिक्योरिटी लेकर जाओ, हर जगह पर बोलना चाह रहे हो तुम, हर जगह पर मैं अपनी सिक्योरिटी लेकर घूमू, दिस इज अ नाइस, लेकर चलेंगे। हाय आरिश भाई, लव फ्रॉम पाकिस्तान। आरिश भाई मैं अपनी स्पेशल गन हमेशा अपने साथ रखता हूँ, लव यू आरिश भाई, लव यू आरिश भाई, लव यू आरिश भाई, खैर जगह पर अपने सिक्योरिटी लेकर जाओ। ठीक है आरिश भाई, फुल प्रेसिडेंट की लुक दिखाओ भाई, सिक्योरिटी के साथ चला करो। ठीक है, लव यू भाई, ओपी भाई। आरिश भाई लव फ्रॉम उत्तर प्रदेश, हेलो ब्रो, आप संडे को 2 घंटे का एपिसोड अपलोड करो ना प्लीज़। ठीक है आरिश भाई, अपनी सिक्योरिटी के साथ चला करो, आज देखा नहीं कैसे हमला हुआ और रशियन माफिया के ऊपर, प्लीज कभी बिना सिक्योरिटी के मत घूमा करो। ठीक है भाई, लेट्स वोट फॉर 2 आर एपिसोड। हाँ भाई, 2 घंटे के एपिसोड के लिए वोट करो। भाई 29 रुपये का मैंने भी टाइम लगा। आयुष भाई आप रशियन माफिया को बहुत खतरनाक चीज गिफ्ट करो भाई। ठीक है भाई, आरिश भाई बिग माफिया को बहुत ही, आरिश भाई बिग माफिया को बहुत ही दिल, ये क्या है, थैंक यू भाई। भाई आप दोनों एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हो, हाँ भाई। आयुष भाई प्लीज रोबो हैंड लगाओ प्लीज प्लीज। आयुष भाई मशीन से 4 महीने से बोल लगा हूँ आपको, डेंजरस भाई, लगाओ फुल सपोर्ट आयुष भाई। ठीक है भाई, रोबोट हैंड लगा देंगे। अशफाक नूरी हेलो भाई, रशियन माफिया को मेयर बना दो, रशियन माफिया को, भाई वो रशिया का है, उसे मैं इतनी जल्दी मेयर बना दूँ, मुझे है ना, देखो अभी इतनी जल्दी मैं कोई रिस्क वगैरह लेना नहीं चाहता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा ना दोस्तों देखो पहले देखूंगा उसे कि हाँ भाई बंदा कैसा है, उसके बाद हम कुछ आगे की जो प्लानिंग वगैरह होती है ना दोस्तों वो करेंगे, इतनी जल्दी नहीं करना चाहता यार। ऐसे वक्त में इल्यूमिनाटी सिक्योरिटी को बुलाया करो। ठीक है भाई, जिमी की शादी कब होगी? आयुष भाई और प्रेसिडेंट की बेटी कहाँ गई? प्रेसिडेंट की बेटी भी यहीं है भाई, बहुत बढ़िया भाई, नाइस वीडियो। हाय आरिश भाई इज बेस्ट गेमर, थैंक यू। आयुष भाई सबका वॉइस ऑन करो ना प्लीज। ठीक है आयुष भाई, रशियन माफिया को पॉलिटिशियन बना दो। ठीक है भाई, आरिश भाई मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको देखकर GTA 5 को अपने कैरेक्टर में डाउनलोड कैसे करें, चैप्टर में 2 घंटे। आयुष भाई अपनी स्पेशल गन हमेशा अपने साथ रखा करो, लव यू AK टेक्निकल पॉइंट। आई एम फ्रॉम जैसलमेर राजस्थान। भाई जी ऊपर में क्या लटका हुआ है? भाई जी ऊपर में, अच्छा हेलो भाई, भाई इंडियन कार्स परचेज करो। ठीक है भाई, आरिश भाई आप अपनी फैम में, आप अपनी फ्रैंकलिन काउंटी करो, लॉस सैंटोस में एक, ठीक है भाई बनवा देंगे मंदिर पे। भाई अपनी पर्सनल सिक्योरिटी बनवा भाई। आयुष भाई माइक भाई एंड माइकल दादा किल रशियन माफिया। हाय आदित्य भाई मेरा कमेंट पिन कर दो, नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूंगा। आयुष भाई पीछे सिक्योरिटी लेकिन प्राइम मिनिस्टर, भाई वीडियो लॉन्ग, भाई BGMI खेलते हो? भाई BGMI में खेलता हूँ, आरिश खान 0786 के नाम से शायद से मेरी वहां पर आईडी है। प्लीज न्यू हाईवे बनवाओ लॉस सैंटोस में। ठीक है, यो मरम्मत से कौन समझता है कि आरिश भाई एवरी संडे को, आरिश भाई के व्यूज नहीं आ रहे हैं, वो नहीं ला सकते, तुम 1 घंटा 35 मिनट का वीडियो कब बोलो, मान जाएंगे, मैं अपना तरफ से पूरा सपोर्ट करूंगा, आई एम फुल सपोर्ट, थैंक यू सो मच मेरे भाई।
यार देखो मेन बात ना ये है, व्यूज कितने आते हैं, 10,000, 12,000, 15,000, क्या होता है इन व्यूज के अंदर? व्यूज कम से कम एक वीडियो पे डालने के बाद 50,000 भी है, पता नहीं यार मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता यार, क्या गलती कर रहा हूँ मैं। हॉट सिक्योरिटी लगाओ। आरिश भाई डेविन वेस्टन की आर्ट गैलरी कब चोरी करेंगे, जल्दी करेंगे भाई। आप वीडियो, भाई आप अच्छा वीडियो नहीं बनाते यार। अच्छा हो सकता है भाई। भाई माइकल के आगे पीछे सिक्योरिटी रख दो। लॉस सैंटोस में आर्मी बेस एंड पुलिस स्टेशन बनो। भाई मेयर ट्रेसी को बना दो। भाई जल्दी से ख़त्म करो फ्रैंकलिन। ट्रांसफॉर्मर सिक्योरिटी लो। आयुष भाई एक रिपोर्ट वाला सिक्योरिटी गार्ड रखो अपने साथ। लॉस सैंटोस के रोड अच्छे नहीं हैं आरिश भाई, करवाएंगे भाई। लॉस सैंटोस के रोड जो अच्छे नहीं है ना उनको भी अच्छे करवाएंगे। आरिश भाई अब संडे को 1 घंटे 35 मिनट का वीडियो अपलोड करना, ठीक है? मैं आदित्य ओपी ब्रदर, लव यू आरिश भाई, बेस्ट एपिसोड, प्लीज पिन माई कमेंट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई, थैंक यू सो मच। और हेलो रिव्यू में भाई किसी को कमेंट है क्या आप? यो 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 यहाँ पर भी कुछ कमेंट्स हैं दोस्तों। इन कमेंट्स का मैंने दोस्तों यहाँ पर अभी तक देखा नहीं था। ठीक है ठीक है। चलो बहुत सारे भाइयों के मैंने कमेंट्स वगैरह यहाँ पर रीड नहीं करे है ना, वो देखेंगे। जिस माँ ने आयुष को जन्म दिया वो कितनी खुशकिस्मत हो गया, ये भाई लोग लास्ट में बोला कॉपी करता है बीवी गेमिंग। भाई बीवी गेमिंग कहाँ कर रहा है भाई ये? बस यार मैं क्या बोलूँ उन लोगों को, फिर इनका कमेंट डिलीट करना पड़ता है। बीवी गेमिंग की वीडियो जाकर देखो एक बार, फिर मेरी देखना। आयुष भाई बिग माफिया के बेटे को किडनैप करना, मारना मत, बिग माफिया को बोलना तुम्हारा बेटा मेरे पास है। GT5 में शोरूम ने कैसा करवाया खरीदे, ठीक है? आई लव यू आरिश भाई, आई सी योर डेली वीडियो, माई नेम इज प्रीतम। हेलो भाई, थंबनेल पूरा स्टाइल में क्यों यूनिक टाइप का थंबनेल बनाया? मम्मी को देखकर सब आपका वीडियो देखने है मन लगे। वीडियो तो अच्छा रहता है लेकिन थंबनेल नहीं है, ठीक है? चलो भाई थंबनेल भी यहाँ पर हम थोड़े यूनिक स्टाइल के बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद है कि आज का एपिसोड यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा। लगा तो कर दो वीडियो को लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बाकी मैंने ऑलमोस्ट कॉमेंट्स भी सभी के यहाँ पर रीड कर लिए। मैं मिलूंगा आपसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय।